हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करेंगे टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स की, कि उसमें कैसा मूवमेंट हो रहा है और क्या आगे टारगेट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपन टाटा पावर की बात करते हैं। तो टाटा पावर का, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सबसे अच्छी बात पता है टाटा पावर की क्या है, कि हाइड्रो पावर जनरेशन, उसके बाद में जो फॉसिल पावर जनरेशन के साथ साथ में ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखोगे तो इसका जो टारगेट है 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशंस बाय 2025। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, अगर किसी कंपनी का इतना बड़ा टारगेट है, वो भी एक एम्बिशियस टारगेट है, और उसको करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्ट हमें शेयर मार्केट के उसके शेयर पे भी दिखता है, और ये हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है दूसरी ये, कि इंडिया की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब ये होता है दोस्तों, ऊपर से नीचे तक जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन सारा ये कंट्रोल करती है। तो ये बहुत कम कंपनियों में ऐसा होता है, कि जनरली क्योंकि कंपनियां तो फिर प्रोडक्शन करती है, या फिर सप्लाई करती है, या फिर मैनेजमेंट करती है, बट इन तीनों चीजों को अगर एक साथ है कोई करती है तो वो टाटा पावर है। इसीलिए इसका ये पॉजिटिव थिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पी रेशियो की। पी रेशियो जो है हमारा दोस्तों, अगर हम 6 मंथ की बात करें प्रीवियसली, तो पी रेशियो एक टाइम पे इसका 41.9 था, और अभी चल रहा है 41 का, और एक क्या बोलते हैं, रेंज में है, 41 से अबाव नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली भी चांस है कि 42-43 को टच करें। ठीक है, इसका जो कंपैरिजन होता है दोस्तों, वो NTPC से, पावर ग्रिड से होता है, अडानी ग्रीन से होता है, अडानी पावर से होता है, JSW एनर्जी से होता है, और अडानी एनर्जी से होता है। इन सबके बीच में अगर इसका अपन मार्केट कैप को एनालाइज करें, तो मार्केट कैप में देखोगे 3,84,000 करोड़, मतलब 3,84,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो सबसे बड़ा है। बाकी आप इसमें देख सकते हो, इसका जो पी रेशियो भी वर्तमान में 17 सॉरी जो टाटा पावर है इसका जो, सॉरी दोस्तों मैंने गलत बता दिया था, NTPC का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। टाटा पावर का जो मार्केट कैप है वो है 1,42,000 करोड़ का, उसमें इसका जो पी रेशियो है वो 41 का है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे अडानी ग्रीन से के बाद में, अडानी ग्रीन, JSW एनर्जी और अडानी एनर्जी के बाद में चौथे नंबर पर आता है। इसका पी बहुत हाई है कंपेरेटिवली, तो NTPC ओनली 17 का है, पावर ग्रिड का 20 का है, अडानी पावर का 13 का है, और तो आप समझ सकते हो मीडियन 41 का बैठ रहा है, उसी मीडियन के आसपास इसका पी रेशियो बैठता है। ठीक है, अगर इसकी सेल्स की अगर अपन बात करें टाटा पावर की, तो 1,15,846 करोड़ की सेल्स हुई है। कंपेरेटिवली इसका जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसकी हुई है 48,520, तो ठीक ठाक इसकी सेल्स हुई है कंपेरेटिवली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब सभी सेकंड नंबर पर आप देखोगे 15,846 और 48,520, बाकी छोटी सभी कंपनियां इसके पीछे है, और इसका वैल्यूएशन मतलब कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बट इसका जो शेयर प्राइस है वो ठीक ठाक है कंपेरेटिवली ऐसी कंपनियों के, जिसका पी रेशियो भी हाई है, जिसका शेयर का प्राइस भी हाई है, वहीं उनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो कम है। तो इस जगह ये कंपनी फिट बैठती है इस स्टॉक को हमें बाय करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्च 2024 में इसका जो सेल्स था वो था 15,847 करोड़ का। ठीक है, प्रॉफिट था 2,307 करोड़ का। ठीक है, ये लेटेस्ट बता रहा हूं मैं, ईयर बाई ईयर बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 1,537 करोड़ था, और नेट प्रॉफिट है 1,046 करोड़ का है, तो ठीक ठाक है। और अगर इसका हम ईयर वाइज देखें, तो ईयर वाइज आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ही से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। एक टाइम पे इसका रेवेन्यू 33,000 करोड़ का था, अब 61 का हो गया है ऑलमोस्ट 10 से 11 सालों में। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक टाइम पे स्टार्टिंग में 5,000 करोड़ के आसपास का था, अभी 10,000 करोड़ को हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक टाइम में 1,200 करोड़ का था, आज 5,732 करोड़ हो गया। तो दैट मीन्स कंपनी इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड कंटिन्यूअसली जनरेटिंग गुड प्रॉफिट्स एंड EBIT है। तो ये इसका बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें, तो टोटल इसकी लाइबिलिटी से नो डाउट बड़ी है, पर इसका जो एक सेकंड, फिक्स्ड असेट्स से दोस्तों वो देखते हैं, 41,000 करोड़ से 67,000 करोड़ का हो गया है। ठीक है, और ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, कि ये इसका थोड़ा सा वीक पॉइंट है। इसके जो फिक्स्ड असेट्स है वो 41,000 से कितने हैं, ओनली 70,000 के आसपास हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 का ग्रोथ हुआ है। बट इसकी जो लाइबिलिटीज थी वो कितनी हो गई है, 53,000, मतलब 3 गुना लाइबिलिटीज बढ़ गई है। और टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो 67,000 करोड़ से 1,40,000, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो ये थोड़ा सा जो बैलेंस है वो सही नहीं है। डेफिनेटली लाइब्रेरीज के साथ में असेट्स की भी जो मोमेंटम है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो बराबर होना चाहिए। कैश इनफ्लोज की बात करें तो कैश इनफ्लोज वगैरह उसका उसका ठीक ठाक है। तो बाकी आप चीज़ें अगर आप देख लेना स्क्रीन पर जाके, सीधे अपन चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि कैसा मोमेंट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था दोस्तों, बाई साइड का रिसेंट का, वो था
470 इसने टच किया, फिर 460 यहाँ पर टच करने की कोशिश की, उसके बाद में यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट एरिया था 410 रुपीज़ का, 410 के सपोर्ट लेके सबसे अच्छी बात है इसने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स इसने क्लोजिंग दी है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसने एक क्लियरली समय इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से मार्केट में अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर इसको मैं ट्रेंड लाइन भी आपको बताऊँ, तो ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे तो ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसने सपोर्ट लिया, अब इस वापस ट्रेंड लाइन का आ गया, तो डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनता है दोस्तों वो 461 रुपीज़ का बनता है, तो अभी 444 चल रहा है, 461 पर अगर सस्टेन करता है तो हमें सेकेंड टारगेट 539 का देखने को मिल सकता है लॉन्ग टाइम में। तो ये फर्स्ट टारगेट मतलब मेरा जो टारगेट दिख रहा है अभी आने वाले कुछ दिनों में 540 का दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट अपसाइड का, उसके बाद भी अगर हम जाएँ तो 630 रुपये के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है डाउन साइड में, जिसके चांसेस कम है, बट कोई अनएक्सपेक्टेड जिस प्रकार से अनएक्सपेक्टेड मूव आया है कि एकदम से क्विक फॉलो और क्विक ही अपसाइड मूवमेंट आ गया है मार्केट में, अगर ऐसा कुछ होता है इसमें, अगर ये ट्रिप है तो डेफिनेटली हमारा फिर डाउन साइड में जो सपोर्ट है इसका मेजर सपोर्ट वो है 414 रुपये का, उसके बाद में इसका जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों वो मिल रहा है 365 रुपये का। तो ये तो रहा टाटा पावर का, अब हम देख लेते हैं टाटा मोटर्स का। देखो इसके पी रेशियो की अगर अपन बात करें तो पी रेशियो पिछले 6 महीनों का आप देख सकते हो, इस टाइम पे इसका एक टाइम पे इसका पी रेशियो 16 था और अभी चल रहा है 12, मतलब पी रेशियो ठीक ठाक है, मतलब कम है, सही लेवल पर है, ठीक है, और अभी कंटिन्यूसली इसी रेंज में है। अब इसके जो पीयर कंपेरिजन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो मार्केट लीडर है इसमें हम वो देख लेते हैं, देखिए सबसे बड़ा मार्केट लीडर हमें कौन दिखता है, टाटा मोटर्स ही दिखता है, इसके आसपास जैसे क्या बोलते हैं फोर्स मोटर, ये टाटा मोटर्स, डीवीआर, इलेक्ट्रॉनिक, अशोक लेलैंड, ये सभी इससे कम दिखते हैं, डेफिनेटली ये लीडर है इसमें। नेट इसका प्रॉफिट है 17,528 करोड़ का, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन आ रहा 213% का, दैट इज़ वेरी गुड इंडिकेशन। सेल्स जो क्वार्टरली वाइज हुई है वो हुई है 1,19,000 करोड़ के आसपास की, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिला है 13% का और आरओसी मिली 20% की, तो बहुत ही शानदार आंकड़े हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और उसके कंपैरिजन में आप देखोगे कि ओनली ओनली अगर हम फोर्स मोटर को छोड़ दें तो बाकी सभी इससे कम है, तो ये गुड इंडिकेशन है एक इस शेयर की, इस कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है, ठीक है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की अपन बात करें दोस्तों, अभी मार्च 2024 का रिजल्ट हमारे पास है, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है आप देखिए, और इसकी जो सेल्स है रेवेन्यू है वो भी बढ़ रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा, दैट मीन्स यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि दोस्तों जो वैल्यूएशन मार्केट इसको दे रहा है वो इसके लिए लायक है, इसके लायक है, दैट मीन्स जो भी वैल्यूएशन आ रहा है, जो भी मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आ रहा है तो वो जेन्यून है। तो इस हिसाब से अपन देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स में आगे आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 1,050 का इसका मेजर रेजिस्टेंस था, 3 बार इसने टच किया था और 3 बार ही यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, इसको टच करने के बाद में 948 का रिसेंट सपोर्ट लिया था इसने, जो 4 जून के बाद में जो रिसेंट जो फॉल आया था इसमें 857 का, जो एक अच्छा मौका था आपके लिए बाई करने का, वहां से अभी 1,118 रुपये ट्रेड कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस कैंडल को अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो देखिए इस प्रकार की कैंडल आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, आप देखिए ये 1 डे की कैंडल्स है, आप देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दोस्तों बहुत कम मिलेगी आपको, यहाँ का भी जो प्राइस था 634 से 636 था, 33 पॉइंट का ही ग्रोथ था, पर इस बार आप देखिए 105 से 118, मतलब ऑलमोस्ट 113 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट हुआ, तो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है। उससे पहले की अगर अपन बात करें तो 1027 से 1092, ये भी एक बहुत बड़ा मोमेंटम है, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से हाई साइड में एक मोमेंटम आएगा। बट आपको कैसे प्लान करना है इसको बाई साइड का ये भी बता देता हूँ कि उड़ता, क्योंकि उड़ता तीर हमें पकड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसने अपसाइड मूवमेंट लिया, वो था 980, अब हो गया 118, मतलब 140 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर गया है, तो थोड़ा सा करेक्शन इसको लेना चाहिए, 1 या 2 दिन में डेफिनेटली ये इस लो को, इसके लो को 1080 को, या फिर इसका बीच का पार्ट हम पकड़े 1060 को आएगा, डेफिनेटली आएगा इस वीक में, आने के चांसेस है नेक्स्ट वीक में, या फिर अगर इसके नेक्स्ट वीक में आएगा तो फिर बड़ा फॉल हमें देखने को मिले, तो अगर ये करेक्शन 1080 तक आता है, 1050 तो बेस लेवल रहेगा आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इसको यहाँ पर बाई करते हो ना दोस्तों स्विंग ट्रेड के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ, देखिए
यहाँ पर, या फिर यहाँ पर 1050, उसके बाद में अपसाइड मूवमेंट करेगा, अपसाइड मूवमेंट करेगा ना दोस्तों, तो मेरा इसका टारगेट है 1204 या 1205 रुपये का, ठीक है। तो ये 1205 रुपये का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट दोस्तों हमें इसमें मिलेगा, वो मिलेगा ऑलमोस्ट 1310 या 1311 रुपये के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। तो ये टारगेट हमें अभी अभी की स्थिति में दिख रहे हैं। तो दो टारगेट के लिए आप जा सकते हो, फर्स्ट 1200 रुपये का, तीसरा 1310 रुपये के आसपास। बट बेस बाइंग लेवल आएगा 1010 60 का या फिर 1080 के आसपास। डाउन साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करता है 1050, इसमें चांसेस बिल्कुल नहीं है कि एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिले। बट अगर ये जो 1050 की लेवल इसको ब्रेक कर दे, तो डेफिनेटली वापस इसी ट्रेड जोन में या कंसोलिडेट फॉर्म में आ जाएगा जो प्रीवियस 2 से 3 महीनों में ये ट्रेड कर रहा है, मार्च से लेकर जुलाई तक। तो डेफिनेट, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें ऑलरेडी इतने महीनों बाद मूवमेंट आया अपसाइड में, तो डेफिनेटली अपसाइड ये मूवमेंट करेगा। फिर भी अगर कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो फिर 1050 के बाद में आप एग्जिट कर सकते हो, अगर आपने बाई साइड पोजिशन अभी बनाई है, ठीक है। और आप फिर री एंटर करना 940 950 के आसपास। तो ये था दोनों वीडियो, टाटा पावर और सॉरी दो दो शेयर हमने कवर किया एक सिंगल वीडियो में, टाटा पावर और टाटा मोटर्स में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।